स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक यूनिट 9, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर्स, प्योर सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? प्योर सेमीकंडक्टर को ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। लेट अस कंसीडर सिलिकॉन क्रिस्टल, प्योर सिलिकॉन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। क्लियर? अगर मैं इसका बबल्स बनाता हूं, इसके लिए ये लीजिए स्टूडेंट्स, इसके जो हमारा क्या कहते हैं सर्किट, इसका अब हम वो बनाते हैं बबल्स, ये लीजिए। बहुत ध्यान से, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? थर्ड सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 and 2, 4। ये लीजिए, सेमीकंडक्टर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। क्लियर? अब ये 4 के 4 ने क्या किया? 4 के 4 ने आपस में क्या बना लिया? ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। क्या बना लिए? आपस में मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। आप देख लें, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी, ये लीजिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और शेयरिंग करने के बाद हर एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, यानी शेयरिंग की और क्या बना लिया आपस में? कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। नो इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है फॉर कंडक्शन। हर एक के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, और हर एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके क्या बना लिया? कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री, दैट इज नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री फॉर कंडक्शन। नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री फॉर कंडक्शन। कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है फॉर कंडक्शन। दैट इज एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर behave as insulator. No electron is free for conduction at 0 Kelvin, semiconductor behave as insulator. But as the temperature increases, electrons are thermally excited and hence act
एक्वायर एनर्जी ग्रेटर देन एनर्जी गैप, ग्रेटर देन एनर्जी गैप जंप्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, लेविंग बिहाइंड अ वैकेंसी, अ वैकेंट सीट कॉल्ड होल फॉर कंडक्शन, फॉर कंडक्शन। यानी क्या होता है, होता क्या है स्टूडेंट, जैसे जैसे यानी ये सब क्या है, ये सब क्या है हमारे पास, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है फॉर कंडक्शन, लेकिन जीरो केल्विन पर सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इलेक्ट्रॉन्स आर थर्मली एक्साइटेड एंड हेंस एक्वायर एनर्जी ग्रेटर देन एनर्जी गैप। यानी वो एनर्जी उसको कैसे मिलती है, ये एनर्जी उसको कैसे मिलती है, ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को, ये एनर्जी कहां से मिली, इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी कहां से मिली स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी मिलती है क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है इलेक्ट्रॉन्स आर थर्मली एक्साइटेड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड गेट्स ब्रोकन एंड इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज फ्री फॉर कंडक्शन, एंड इलेक्ट्रॉन इज फ्री फॉर कंडक्शन। यानी उसको एनर्जी कहां से मिली, वो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। यानी कैसे हो गया फ्री, ये कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया और पीछे क्या छोड़ गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड पीछे क्या छोड़ गया, होल, और इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। स्टूडेंट्स अगर मैं इसको आप नोट कर लें ध्यान से, ये रहा ये वैलेंस बैंड, ये क्या है वैलेंस बैंड, और ये कंडक्शन बैंड, क्लियर है। वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। जीरो केल्विन पर सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर थर्मली एक्साइटेड, कोवेलेंट बॉन्ड गेट्स ब्रोकन एंड इलेक्ट्रॉन इज फ्री फॉर कंडक्शन, दैट इज इलेक्ट्रॉन एक्वायर एनर्जी ग्रेटर देन, इलेक्ट्रॉन एक्वायर एनर्जी ग्रेटर देन एनर्जी गैप जंप्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, जंप्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, जंप्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स, और इस तरह से ये होल होता है और ये कौन होता है इलेक्ट्रॉन, ये कौन है इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ गए, इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आया और सेमीकंडक्टर क्या करने लगा, कंडक्ट करने लगा। आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट, बहुत ध्यान से मैंने किस तरह से आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके अकॉर्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बने ये बताया, और किस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रॉन गेट थर्मली एक्साइटेड और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। स्टूडेंट्स इसी में आगे
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड होल मूव्स इन द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड होल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर है. दूसरा पॉइंट, इफ एनी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनएच नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स एनआई नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर. तो इन इस केस में एनी एनएच इज इक्वल टू एनआई. आप चेक कर ले, एनी एनएच इज इक्वल टू एनआई. क्लियर है. तीसरा, नेक्स्ट, इन सच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट. बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट. तो स्टूडेंट, इस तरह से मैंने आपको बताया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. किस तरह से उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, क्या एनर्जी बैंड डायग्राम है और क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी, वो सब मैंने यहां पर डिस्कस किया. किसके बारे में? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. लेकिन होता क्या है स्टूडेंट, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है. अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को. किसको यूज करते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. आइए मैं बताता हूं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, क्या प्रोसेस होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में. आइए स्टूडेंट, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. आइए नेक्स्ट है हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? इम्प्योर सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. Impure semiconductors are called extrinsic semiconductors. To improve, और इसका काम क्या होता है, इसकी importance क्या होती है? To improve conductivity of semiconductors. We add impurity atoms. We add impurity atoms such as trivalent impurity,
सच एज ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी क्या होती है स्टूडेंट? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होती है जिसके आउटर मोस्ट शेल में, जिसके आउटर मोस्ट शेल में, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी क्या होती है जिसके आउटर मोस्ट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन। और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी कौन कौन सी होती है? इंडियम, गैलियम और भी है बहुत सारी। इंडियम, गैलियम यानी इनकी क्या होती है, इनकी जो हमारे पास क्या कहते हैं आउटर मोस्ट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, सच एज ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एंड पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एंड पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। ठीक है, हम इंप्योर सेमीकंडक्टर को क्यों यूज करते हैं? कंडक्टिविटी बढ़ाने के, और कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? वी ऐड इंप्योरिटी एटम्स सच एज ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के हमारे एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एंटीमनी हो गया, क्या क्या एग्जांपल्स हैं? एंटीमनी एंड आर्सेनिक और भी हैं। तो ये सब यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और हम इम्प्योरिटी एटम क्यों मिलाते हैं, कौन सी मिलाते हैं? एक तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम मिलाते हैं और दूसरी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम मिलाते हैं। इससे क्या होता है? कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। मेरी बात समझ गए? ट्रेवलेंट इंप्योरिटी एटम के एग्जांपल क्या है? इंडियम एंड गैलियम, और पेंटावेलेंट के एग्जांपल है एंटीमनी एंड आर्सेनिक। तो स्टूडेंट्स आइए इसको डिस्कस करते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी टू टाइप्स के होते हैं। आइए, पहला होता है ये लीजिए, ये हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एन टाइप और दूसरा होता है पी टाइप। एक एन टाइप और दूसरा पी टाइप। एन टाइप ये लीजिए, हमने क्या किया, इसके अंदर +4, +4, +4, +4, +4, +4, +4, +4 और यहां पर क्या मिला दिया, ये इंप्योरिटी एटम। क्या मिलाया? इंप्योरिटी एटम। उससे क्या होगा? ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट, क्लियर है? ये ले, तो इसके अंदर देखो चारों ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। आप देख लें, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, पांच में से चार ने तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, बट वन इलेक्ट्रॉन इज फ्री इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री। मेरी बात समझ गए? वन इलेक्ट्रॉन इज फ्री। यानी एन टाइप में हमने क्या किया? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इज एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर।
जब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड की प्योर सेमीकंडक्टर में, क्या हुआ? आउट ऑफ फाइव पांच में से चार ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, एंड वन इलेक्ट्रॉन इज फ्री फॉर कंडक्शन। पहली चीज, वन इलेक्ट्रॉन इज फ्री फॉर कंडक्शन। दूसरा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर, तीसरा, होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी जब मैंने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड की प्योर सेमीकंडक्टर में, तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते ही पांच में से चार ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, एंड वन इलेक्ट्रॉन इज फ्री फॉर कंडक्शन। एन टाइप यानी इस टाइप के सेमीकंडक्टर्स में वन इलेक्ट्रॉन इज फ्री फॉर कंडक्शन, पांच में से जब चार ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया तो वन इलेक्ट्रॉन इज फ्री फॉर कंडक्शन। इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन विच हैव नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है इसके पास? नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको एन टाइप कहते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एन टाइप। और जो इंप्योरिटी एटम है उसको क्या कहते हैं हम, डोनर एटम। क्या कहते हैं? डोनर एटम, क्योंकि डोनर एटम क्या कर रहा है, इंप्योरिटी एटम को डोनर एटम क्यों कहते हैं, क्योंकि डोनर एटम डोनेट वन इलेक्ट्रॉन। तो डोनर एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, क्योंकि डोनर एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, इसलिए इंप्योरिटी एटम को क्या कहते हैं, डोनर एटम। हाँ, इसका अगर एनर्जी बैंड डायग्राम मैं यहां पर बनाता हूं, तो इसका एनर्जी बैंड डायग्राम इस तरह से आता है। ये वैलेंस बैंड, ये हमारे पास क्या है, वैलेंस बैंड, और ये कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, लेकिन कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे क्या होता है, यानी एनर्जी गैप क्या हो जाता है, एनर्जी गैप डिक्रीज हो जाता है। क्यों? यहां पर आ जाता है डोनर लेवल, क्या आ जाता है, डोनर लेवल, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ये आ जाता है हमारे पास एनर्जी बैंड डायग्राम, और जब इंप्योरिटी एटम ऐड करने के बाद, इस इंप्योरिटी एटम को मिलाने के बाद एनर्जी गैप क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे एक डोनर लेवल आ जाता है, जिसके ऊपर पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और इसके अंदर नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स बराबर होता है नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर,
यानी इसके अंदर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। स्टूडेंट्स पी टाइप में क्या होता है हमारे पास, आइए पी टाइप में ये लीजिए, ये पी टाइप में हम क्या करते हैं, पी टाइप में हम क्या करते हैं, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी हमारे पास क्या होती है, ट्राइवेलेंट कौन सॉरी हम क्या करते हैं ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को कहां मिला देते हैं, कहां मिलाते हैं हम, ये प्योर सेमीकंडक्टर किसमें, प्योर सेमीकंडक्टर में हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। और क्या होता है देखें आप, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, तीन तो कोवलेंट बॉन्ड बन जाते हैं लेकिन एक कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता, वहां पर क्या हो जाता है, होल क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, होल क्रिएट हो जाते हैं इस तरह से। तो यानी जब मैंने जब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम इज एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर तो क्या होगा, सबसे पहले यानी जब मैंने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम मिलाया, क्लियर है, तब तीन कोवलेंट बॉन्ड बन गए लेकिन होल क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया, होल इज क्रिएटेड। थ्री तो कोवलेंट बॉन्ड बन गए लेकिन एक होल क्या हो गया, क्रिएट हो गया। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर होल आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर, होल्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। स्टूडेंट्स इसके अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन है, होल्स, और होल्स हैव आर पॉजिटिव टाइप इसलिए होल्स आर पॉजिटिव टाइप इसलिए इसको पी टाइप, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर। होल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इसके अंदर इंप्योरिटी एटम्स को क्या कहते हैं, एक्सेप्टर एटम, क्या कहते हैं, एक्सेप्टर एटम्स। क्योंकि इस टाइप के सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी एटम को मिलाने के बाद, जब हम इंप्योरिटी एटम मिलाते हैं, ट्रैवलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, तो क्या होता है, they create hole to accept electron because they create hole to accept electron। क्यों, क्योंकि ये होल को क्रिएट करते हैं,
क्योंकि ये होल को क्रिएट करते हैं टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट अगर मैं इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाऊं, ये लीजिए, ये लीजिए, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड। स्टूडेंट इसके अंदर क्या होता है, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, लेकिन इंप्योरिटी एटम मिलाने के बाद यहां पर एक लेवल क्रिएट हो जाता है, इस लेवल को कहते हैं एक्सेप्टर, इस लेवल को कहते हैं एक्सेप्टर लेवल। ये क्या होते हैं, होल, यानी यहां पर भी एनर्जी गैप, यहां पर भी एनर्जी गैप क्या होता है, यहां पर भी एनर्जी गैप डिक्रीज हो जाता है, और दोनों ही केस में एनर्जी गैप डिक्रीज होने के बाद इस टाइप के सेमी कंडक्टर्स की एनर्जी गैप डिक्रीज होने के बाद इन दोनों टाइप के सेमी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और इस केस में भी, इस केस में भी एनी एनी एनएच इज इक्वल टू क्या होता है, एनआई स्क्वायर। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज इक्वल टू होता है नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स का स्क्वायर। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स, ये एन टाइप के सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम है और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स का एनर्जी बैंड डायग्राम ये। तो स्टूडेंट्स आप डिफरेंस को ध्यान से देखें, कई बार एग्जाम में ये डिफरेंस आ जाते हैं, इन्हीं डिफरेंस कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, हम उनको भी ध्यान में रखें कि एन टाइप में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाने के बाद चार इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, एक फ्री हो जाता है, जबकि पी टाइप में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं, ऐड करते हैं, ये तीनों के तीनों कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन एक होल क्रिएट हो जाता है टू एक्सेप्ट, एक होल क्रिएट हो जाता है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक था इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हमने क्या डिस्कस किए, प्योर सेमीकंडक्टर्स, और जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, और इम्प्योर सेमीकंडक्टर में हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं, और उसके बाद क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाने के बाद, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाने के बाद, ये हमने ढंग से पढ़ा। एनर्जी बैंड डायग्राम ये भी मैंने बताया, काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक डोनर लेवल बन जाता है और इसमें क्या बन जाता है, एक्सेप्टर लेवल, और दोनों ही केस में एनर्जी गैप डिक्रीज हो जाता है, यानी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।